YouTube चैनल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का 7 बज चुका है और अभी से हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के वीडियो में क्या क्या है देखने के लिए, वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे देखो अंश और सक्षम बैठे हैं। खड़ो जाओ। तो चलो वीडियो में बने रहिए, कुछ देर बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी सुबह का खाना बनाने का टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे भाजी लेकर बैठी हूँ इसे साफ करने के लिए, क्योंकि आज सब्जी में भाजी और दाल बनेगा। तो ये है चरपनिया भाजी, तो इसे मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। और भाजी ना हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता है खाने के लिए, हमारे शरीर के लिए हेल्दी रहता है। तो बस इसी को यहाँ पे मैं बाज़ार से लिए थे, इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे धो लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर इसका सब्जी बनाएंगे। तो चलो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो में नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है भाजी को पकने के लिए। तो ये देखो भाजी हमारा बहुत सारा था, बट ये पकने पकते पकते ना बहुत थोड़ा सा हो जाता है। और इसमें मैंने टमाटर और दाल डाल दिया है पहले से और हल्का सा हल्दी। फिर आपका भाजी पक जाएगा, उसके बाद फिर आप इसमें नमक डाल देना, क्योंकि भाजी पकते हुए बहुत कम हो जाता है तो फिर पता नहीं चलेगा, बाद में बहुत ज़्यादा है ऐसे करके ज़्यादा हो जाता है नमक। तो थोड़ा सा पक जाए, कम हो जाता है भाजी, उसके बाद फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। तो हमारा भाजी पक जाएगा, उसके बाद फिर हम यहाँ पे बघार लगा देंगे। और मैंने दाल भी चढ़ा दिया है पकने के लिए। और यहाँ पे देखो भाजी को मैंने निकाल दिया है, उसी कढ़ाई पे हम फिर बघार लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और सूखा मिर्च ले लिया है, ये देखो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे हल्का सा ढक देंगे जिससे कि हमारा बघार अच्छे से लग जाएगा। ये देखो भाजी हमारा बनकर रेडी है, और ये वाला भाजी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस बहुत ही सिंपल सा है बट बहुत हेल्दी रहता है ये वाला भाजी खाने के लिए। तो बस हमारा आज का सब्जी यहाँ पे रेडी है। अभी सुबह का 11 बज चुका है और हमारा खाना वगैरह बनकर रेडी हो चुका है। तो मैंने आज सुबह से ही नहा लिया था लेकिन बाल नहीं धोया था, तो अभी मैं बाल धो ली हूँ, इसलिए मेरा बाल गीला है तो मैंने कंघी नहीं किया है। और अभी हमारा खाना बन चुका है, तो चलो चलते हैं किचन में खाना निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पर मैंने खाना निकाल लिया है, देखो दाल चावल और भाजी। तो यही है हमारा आज का सिंपल सा खाना। तो चलो खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो सो गाइस, मैंने खाना वगैरह खा लिया है और अभी है दोपहर का टाइम। तो आज मैं छेना बनाने के लिए दूध ली हूँ, यानी कि वाइट वाला रसगुल्ला। तो ये देखो मैंने बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा रसगुल्ला बन रहा है, और ये फूल कर इतना बड़ा हुआ है, मैं बहुत छोटा छोटा बनाई थी लेकिन ये फूल कर ना बहुत बड़ा बड़ा हो चुका है। और इसका पूरा रेसिपी मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इसे सेकेंड टाइम बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम तो 3-4 साल पहले बनाई थी, उसके बाद फिर नहीं बनाई थी एक बार, और इस बार फिर ट्राई कर रही हूँ। और जब ये अच्छे से बन जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखो मेरी मम्मी आ चुकी है, ये पैरदान देख रहे हो ना, इसे बनवा कर लाए हैं वो। और यहाँ पे ना जब मैं गांव गई थी तो मेरा बहुत सारा सामान छूट गया था, तो उसी को छोड़ने आई है। तो यहाँ पर देखो सारा सामान रखा है, बाबू के लिए खाई वगैरह भी लाए हैं, और भी मुझे कुछ कुछ उनसे मंगवाना था, बड़ी वगैरह, तो वो भी लेकर आए हैं। तो माँ होती है ना तो सब कुछ ले आते हैं बिना बोले ही। तो यह वही दिखा रही थी कि क्या क्या लेकर आए हैं करके। तो ये पैरदान ना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखो शाम हो चुका है अब, और मम्मी यहाँ पे लहसुन छिल रही है, और मैं यहाँ पे कपड़ा सिल रही थी। तो उतने में यहाँ पे आंधी स्टार्ट हो गया है। आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, पता नहीं कब बारिश हो जाए और कब धूप निकल जाए। और यहाँ पे देखो अंश का बदमाशी।
तो यहाँ पे ये देखो मेरे पीछे में है मेरा मशीन, तो यहीं पे बैठ के मैं चला रही थी मशीन। और शाम का टाइम हो चुका है तो, और बहुत ही जल्दी आपको मेरा ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो देखने को मिलेगा, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो बहुत जल्द बहुत ही अच्छे अच्छे आपके साथ ब्लाउज कलेक्शन भी शेयर करेंगे। और यहाँ पर देखो अंश, और सामने से लाइट आ रहा था ना, इसलिए यहाँ पर अंधेला अंधेला दिख रहा था। डांस करने का डांस। और यहाँ पे मैं अंश को पापड़ खाना था तो लेके जा रही हूँ पापड़ भूनने के लिए। और यहाँ पे देखो पापड़ है, और ये जो बड़ी है ना जो मुझे बहुत ही पसंद है, ये मम्मी लेकर आई थी। ये पापड़ को ना आंस को दे दूंगी खाने के लिए। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलती